अग्निपथ की आग बिहार व उत्तर प्रदेश से होते हुए आज झारखंड के बोकारो भी पहुंच गई। बेरोजगार युवकों ने अग्निपथ के प्रस्ताव का जमकर विरोध किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। विरोध करने वाले सरकार के खिलाफ उबल रहे थे और बोकारो रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर हंगामा कर रहे थे। इस दौरान उबल रहे छात्रों और बेरोजगारों ने रेलवे पटरी को नुकसान पहुंचाने की तैयारी भी की, मगर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एक्शन के बाद वे भाग खड़े हुए। आरपीएफ ने पहले उन्हें समझाने का प्रयास किया, मगर वे समझने को तैयार नहीं हुए तो आरपीएफ ने अपना एक्शन दिखाया। फिर लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ दिया गया। छात्रों के बवाल को देखकर बोकारो के पुलिस अधीक्षक व उपायुक्त ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया, मगर मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अलावा जिला पुलिस बल को भी जगह जगह पर तैनात किया गया है। रेलवे के अधिकारियों के साथ प्रशासन ने हालात पर चर्चा की और अपनी रणनीति बनाई है ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति के पैदा होने पर उनसे निपटा जा सके। बेरोजगारों के लगातार बढ़ते आक्रोश को देखकर पुलिस बल अलर्ट मोड पे है और प्रदर्शनकारियों के तोड़फोड़ से निपटने के लिए तैयार है। इस बीच कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इस बीच बोकारो के उपायुक्त ने साफ साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर कोई आंदोलन के नाम पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा या कानून व्यवस्था के हालात पैदा करेगा तो उनसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोकारो के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं, मगर कानून व्यवस्था पर कोई असर डालने का प्रयास करेगा तो पुलिस कठोर से कठोर कार्रवाई करने से परहेज नहीं करेगी। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। देखिए, आज जिस तरह की सूचनाएं बाकी जगह से भी प्राप्त हो रही हैं और संभावित जो एक प्रदर्शन को लेके और जो बोकारो रेलवे स्टेशन के संबंध में जो एक इन्फॉर्मेशन मिली थी उसी को लेके आज हमारे द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय, एरिया रेल मैनेजर और यहाँ पे संबंधित रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से जो सीनियर ऑफिसर हैं सभी के साथ हम लोग आज इस रेलवे स्टेशन को भी निरीक्षण करने आए हैं। करीब एक डेढ़ घंटा पहले कुछ छात्र यहाँ पर उपस्थित हुए थे, हालांकि प्रशासन और पुलिस की टीम ने और यहाँ के संबंधित रेलवे पदाधिकारियों ने उनको समझा बुझा दिया। वैसा कोई स्थिति यहाँ पर उस तरह से नहीं है और अभी सब चीज़ें सामान्य हैं और चारों तरफ सुचारू रूप से आगमन भी हो रहा है, ट्रैक भी क्लियर है, वैसा कोई स्थिति नहीं है। और आज सभी जगह पर इसके अतिरिक्त भी जिला भर में हम लोगों ने सेंसिटिव पॉइंट्स को चिन्हित करके डेपुटेशन किया है और आप लोगों के माध्यम से भी हम ये सभी लोगों से अपील करते हैं कि किसी प्रकार से प्रदर्शन करने के क्रम में यातायात और आवागमन के संसाधन या पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करें, अन्यथा अदरवाइज स्थिति उत्पन्न होने पर प्रशासन द्वारा लोगों को चिन्हित करके सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। लाठीचार्ज की अभी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न नहीं हुई। अच्छा, कितने लोगों को अभी हिरासत में छात्रों को लिया गया? इसकी हिरासत में अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, परंतु कुछ लोगों को प्रिवेंटिव रूप से डिटेन किया गया है। सूचना मिली थी कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जो आर्मी रिक्रूटमेंट रूल को लेके एहतियाती तौर पे जीआरपी, आरपीएफ, जिला पुलिस सभी लोग अलर्ट थे। कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पे एकत्रित होने की सूचना मिली थी, जिस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए उनसे बातचीत की गई। मोस्टली लोगों को हटा दिया गया, दो तीन लोग थे जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उनको पूछताछ के लिए रोका गया है।